जेसन साहब, मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकूंगा। जो भी मीटिंग्स करनी है वो मीटिंग आप मेरे लिए कंडक्ट कर लीजिए। जी तुम कैसी हो? तुम यहाँ कैसे हो? मैं तुम्हारे घर गया था तो भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाभी को कुछ नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं? क्या फायदा? उसका जहन तुम्हारा था और सिर्फ तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। क्या मतलब? मैंने शादी नहीं की। मैंने जब निदा को तुम्हारे बारे में बताया तो उसने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पे और मेरी मोहब्बत पे कोई यकीन नहीं रहा? लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो होता नहीं है। और जो होता है उसका कभी हमने सोचा नहीं होता। यही तो समझने की कोशिश करो। जिंदगी हमें एक बार फिर मिला रही है। बात पे एतबार नहीं है। मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? अब प्लीज इनकार मत कर देना। उसका मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। पहले भी कहती थी और अब भी कहूंगी, अगर नसीब में साथ लिखा हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। ओके।